देवकी के 6 पुत्र हुए थे, 6 को कर्ष दुष्ट ने मार दिया और 7वां देवी योग माया से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया योग माया ने, और 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस को आकाशवाणी हुई हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुरे मारेगा, इसलिए वासुदेव और देवकी जी को दोनों को जेल में डाल दिया। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होया, देवकी खुश हुई और थोड़ी देर में रोने लगी। वासुदेव जी कहने लगे, देवकी क्या हुआ कि महाराज इतने पुत्रों को जन्म दे दिया, एक भी हमारे पास में नहीं है। अरे ये तो सबको पता है कि माता का एक भी पुत्र चला जाए तो बहुत दुख होता है, 6-6, 7-7 तो बहुत भारी होता है। उस माता में बाकी कहने लगी, महाराज आप एक उपाय कर दो। निवले के निवले इस बच्चे ने आप गोकुलगढ़ पहुंचा दो। निवले बावड़ी होगी, हाथों में अचकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोप, बाहर साकड़ ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े हाथी, मतवाले कुत्ते, खूनी हाथी, पहरेदार, हाथों में हथियार लिए खड़े, मैं कैसे जा सकता हूँ गोकुलगढ़। निबली महाराज देख लियो, समझाने लग गए के बोले भजन में लिख रखे, बहुत ही बढ़िया बात, भगवान श्री कृष्ण का भजन बहुत ही सुंदर, सुनिए ध्यान से सुनने की बात। देवकी के जतन बढ़ाओ मैं, हे देवकी के जतन बढ़ाओ होशियार खड़े अभी और मतवाले कुत्ते मंदिर के दरबार खड़े, अभी और मतवाले कुत्ते मंदिर के दरबार खड़े, अभी और मतवाले कुत्ते मंदिर के दरबार खड़े। दोनों वाले खुशी हुई,
काल पड़े मरी काल श्री कृष्ण सिर पठा के काल पड़े मरी काल श्री कृष्ण सिर पठा के काल पड़े तूफान बरसात क्या बात है, बहुत जाना मुश्किल था। वसुदेव वसुदेव काल पर देव किसके के बाद भादुर की काली पीड़े झुक रही है तेरी रात बेटे के परे बमायो समझा को नाय अपना काट बेटे के परे बमायो समझा को नाय अपना काट प्रभु दिनाय सुकर मनाऊ मैं प्रभु दिनाय श्री हरि की माया कथा के समझ में जाऊं मैं